देखो भाई माशाल्लाह व्हाइट माल एकदम पूरा फुल व्हाइट है और न्यू एंट्री जो है वो मास्क कर भाई माशाल्लाह उतर गई है एकदम फुल मिल्की व्हाइट। चलो सबसे पहले भाई से हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो भाई आज ये बताइए कि ये जो लाइन है बैल का सूरत हाल ऐसा है कि माज में एक नया मेंबर आ चुका है। न्यू एंट्रीज ऑफ मास कैडल फार्म हो रहा है। अभी आप लोगों के सामने जो है पूरा डाला वगैरह खुलेगा, अच्छे से आप लोग देखिए और जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो मैं तो आपको दे ही रहा हूँ। बाकी ये वाला जो गाय है वो हरियाणा की बहुत अच्छी गाय है, पूरा फुल मिल्की व्हाइट है। अभी जब उतरेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई माशाल्लाह व्हाइट माल एकदम पूरा फुल व्हाइट है और न्यू एंट्रीज जो है वो मास कैडल फार्म में हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखें एकदम फुल रेडी है ये वाला। देखिए ये वाला जो है फ्रेंड्स गोडाउन से आ रहा मास कैडल फार्म का। हाँ तो भाई गोडाउन भी जो है मास कैडल फार्म का है जहाँ से ये सब जानवर उतर रहे हैं। ये देखिए भाई माशाल्लाह उतर गई है एकदम फुल मिल्की व्हाइट जानवर है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जारा गुच्ची प्राडा जैसे तीन जानवर थे बहुत फेमस हुए थे वो तीनों जानवर, वैसे ही कैटेगरी का एक ये जानवर हरियाणा की उतरी है। ठीक है बहुत खूबसूरत इसका फ्रेम है देखें आप लोग माशाल्लाह फुल मिल्की वाइट जानवर है। और ये जानवर जो है फ्रेंड्स वो हरियाणा की है और एकदम समझ जाइए पूरा खाया हुआ जानवर है। ठीक है और स्किन जो है आप लोग समझ सकते हैं मिल्की वाइट है, उस हिसाब से आपको पता चलता होगा फुल मिल्की वाइट जानवर है। ये देखें आप लोग बहुत अच्छा कंडीशन में है, खूबसूरत चीज़ है एकदम फ्रेंड्स देख रहे हैं। तो न्यू एंट्रीज जो है वो फ्रेंड्स मास कैडल फार्म में हो रहा है और ये वाला भी वही लाइन में जाएगा जहाँ पर जारा गुच्ची और प्राडा जो है बंधे पर रहते हैं। देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाय है ये। और एक और चीज़ का खासियत है कि ये बाछी है, एक बयान भी नहीं है इसका। ठीक है तो ये फ्रेंड्स पूरा प्योर बाछी है और टॉप नॉच कंडीशन में। ये देखिए आप लोग मतलब अगर मैं हाथ रखूँगा स्किन के ऊपर तो पूरा अंदर चल जाएगा, एकदम मिल्की वाइट है और सॉफ्टनेस तो भाई ज़बरदस्त है। ये देखो खोल रहे हैं आपके सामने, अभी एक राउंड घुमाते हैं इसको दिखाते हैं आप लोगों के सामने। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं खड़ी हरियाणा गाय है माशाल्लाह। ये देखिए तो गोडाउन से फ्रेंड्स मास कैडल फार्म में जानवर आ चुका है और फुल मिल्की वाइट कंडीशन में, पूरा पीछे एकदम गोल है। ठीक है एकदम बनी हुई गाय है ये माशाल्लाह। देखिए भाई ये अभी सजा दिया गया है जानवर को और अब आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए भाई ये देखिए एकदम ज़बरदस्त गाय है ये। देखे माशाल्लाह लाइट का रिफ्लेक्शन हर तरफ आ रहा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाहर ले गए अभी इसको। ये देखिए भाई माशाल्लाह देख रहे हैं एकदम पक्का बाछी है फ्रेंड्स। ठीक है माशाल्लाह बहुत शानदार जानवर है, एकदम बनी हुई गाय पूरा देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। जाओ ये देखिए पूरी बन गई है ये गाय। ठीक है और एकदम मतलब मक्खन का तरह स्किन क्वालिटी है देख रहे हैं पूरा एकदम मक्खन है। देखो ओहो बहुत अच्छी गाय फ्रेंड्स देख रहे हैं पूरा चमक रही है। ये देखो भाई ये देखिए माशाल्लाह चोट नहीं हुई। चलो भाई जो है वो पहले रिबन बांध चुके हैं जारा में। चलिए देखिए माशाल्लाह भाई से बात भी करेंगे। सबसे पहले इसको रिबन बांधने का जो है वो जो हम लोगों का एक है सोल्ड का टैग वो हम लोग टैगिंग दे दे रहे हैं। ठीक है जारा सोल्ड हो चुकी है माशाल्लाह। बाकी ये वाली हो गई पिंकी है ठीक है अच्छी माशाल्लाह। ये देखें भाई तो दोनों गाय भाई ने लिया है माशाल्लाह, क्वालिटी बहुत अच्छा है, दोनों मिल्की वाइट है हरियाणा की गाय स्पेशली। सबसे पहले भाई से हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? इसके आबिद अली। इसके आबिद अली मतलब शेख आबिद अली। आप कहाँ के हैं सबसे पहले ये बताइए?
बजबज संतोषपुर बजबज से आए आप लोग माशाल्लाह। तो भाई आप मास कट अल्फा में पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं पहली बार। पहली बार आए ना, अच्छा। तो आप जब आए तो आप लोगों का मतलब कि हरियाणा का डिमांड था कि आप लोग आंध्रा लेते हैं ऐसे? नहीं हम लोग हरियाणा का डिमांड, हरियाणा आप लोगों को पसंद है। अच्छा तो आप जब आए तो आप लोगों को जानवर सबसे पहले यही दोनों पसंद आया? पहले ये वाला पसंद आया, पहले ये पिंकी पसंद आई थी। अच्छा फिर ये वाला पसंद आया, ये आया ना? हाँ। अच्छा तो फिर आप दोनों जानवर को बाहर निकलवा करके पूरा देखे अच्छे से? हाँ। अच्छा आप लोगों को सबसे अच्छा दोनों में अगर मैं बोलूंगा सबसे बेहतरीन कौन सा लग रहा है? ये वाला ना, ये सबसे बड़ी गाय है फ्रेंड्स। और इसको क्या देख करके लिए आप? खूबसूरती है ना, पूरा कंप्लीट जानवर है। चलिए माशाल्लाह। और जब आप यहाँ आए तो यहाँ के जितने ओनर्स हैं जैसे कि, तो आपको उनका बिहेवियर कैसा लगा? नहीं उसका बिहेवियर ठीक है, किसी में नहीं घुसा है जी। पहली बार यहाँ घुसा, मतलब यहाँ से बात करके डायरेक्ट यहीं आए, यहीं से घर जाना है। माशाल्लाह सही है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा कब लेके जा रहे हैं आप इसको अपने घर? एक हफ्ता पहले आप लेके जाने का सोचे? अच्छा तो आप लोग अपने घर में सिर्फ यही दो तीन जानवर करते हैं या फिर और करते हैं? चार करते हैं ना, जहाँ से आप लोग दो ले चुके हैं यहाँ से? घर में एक है जी, और एक लेना है। और एक लेना है, ठीक है। दूसरा लॉट जब आएगा जी उसमें से और एक ले। चलिए माशाल्लाह, एक बहुत बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि भाई जब और लॉट आएगा तो उसमें से भी भाई लेंगे, अभी तक लिए नहीं है जी। जो अगला हफ्ता और एक लॉट उतरेगा जी, उसमें से हम बहुत सोचे तो उसमें से एक तो देख के ले लेंगे। आप सेटिस्फाइड है ना भाई? एकदम दिल मेरा खुश है जी। चलिए बहुत बहुत मुबारक को भाई आपको, आप लेके जाएं, आपको पसंद है वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे कस्टमर्स का जो है रिव्यू बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फार्म में जितने भी लोग आते हैं उनका रिव्यू लेना इसलिए मकसद यही होता है कि भाई ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है उनको, है कि नहीं भाई? ओनर जो है व्यवहार कैसा कर रहे हैं? ओनर का जो व्यवहार है बहुत अच्छा है जी, गुड व्यवहार है, है ना? तो ऐसा कोई शको शुभ तो हो गई नहीं, ठीक है। तो चलिए ये दोनों भाई का जानवर है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप आए और आकर के आपने जानवर लिया। मेरे तरफ से दानियल ब्लॉग्स की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। चलिए अल्लाह हाफिज। देखें अभी जो मोमेंट्स हुआ लाइफ सोल्ड का, उसके बाद जो है अभी चार जानवर को पूरा सजा करके जोड़ा में खड़ा कर दिया गया है। ये आप लोग देखें हरियाणा का जो है वो एक लॉट आप लोग कह सकते हैं। खूबसूरती देखें जानवर का, ठीक है। एक ये है, एक वाइट पैटर्न में जो अनलोडिंग हुआ आज स्टार्टिंग में आपको वीडियो का दिखाया वो ये जानवर था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आप लोगों को दिखाया, ये वाला तो पहले मैं वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ स्पेशली, तो ये वाला एक हो गया और एक ये था फ्रेंड्स काजल, ठीक है। तो चार जानवर माशाल्लाह इस फार्म के आप लोगों के सामने खड़े हैं, बहुत टॉप टॉप जानवर। ये काजल सबसे बड़ी हरियाणा गाय है। उसके बाद अगर मैं मुझसे पूछोगे भाई एकदम टॉप नॉच बाछी पैटर्न में, तो भाई ये है, इसका नाम परी है, ठीक है। और अगर लेंथ में आप लोगों को एकदम बड़ी हरियाणा चाहिए तो आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है बॉडी का। तो चार जानवर यहाँ पर खड़े हैं, अभी लाइफ सोल्ड हुआ है, ठीक है। और मूवमेंट्स अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे हैं कि जानवर सब खड़े हैं लाइन में। आप लोगों के सामने जैसे आज का वीडियो देखे हम लोग, आज आप लोगों को एक छोटा सा फुल फार्म टूर देने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से जानवर अभी तक सेल हो गए, क्या कौन कौन से अवेलेबल हैं। अभी मेरे साथ मेरे अजहर भाई जो हैं वो मेरे साथ अभी वीडियो में ज्वाइन होंगे, उनका वॉइस रहेगा, और हम लोग फुल फार्म एक कवरेज करेंगे जिसमें कौन कौन से जानवर हैं नहीं हैं वो बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो भाई आज ये बताइए कि ये जो लाइन है बैल का, इसमें से अभी फिलहाल कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से सेल हो गए, ये आप बताएं मुझे। देखो पहले कुंडी में बंधा हुआ है पाइथन हम लोग का। अच्छा ये पाइथन अवेलेबल है अभी। अच्छा और आगे आइए। और उसके बाद है दूसरे नंबर में मुंडा, जो कांचा चीना नाम है इसका। जी जी कांचा चीना अवेलेबल है अभी। अच्छा ये मतलब अभी अवेलेबल है जो मुंडा है, ठीक है।, है अच्छा प्रीमियम जानवर है ये बताइए। ये है वीरू। अच्छा वीरू भी अवेलेबल है। हाँ हाँ और ये काफी मतलब बड़ा बैल है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा बना हुआ फुल व्हाइट है ये बताए मुझे। ये जय है। जय जय और वीरू एक साथ है ना? जय और वीरू एक साथ है। अच्छा तो ये जानवर अभी अवेलेबल है दोनों। फिर यहाँ से बताए मैनी टाइप का थोड़ा सा। जी जी ये है, ये है और ये दोनों है। ये रॉकी है। रॉकी है भाई KGF का। वाह। मगर ये MCF का रॉकी भाई है। हाँ वाह मतलब मास कैटल फार्म का रॉकी भाई है। यस ठीक है। और ये शेर खान है। ये शेर खान है। तो आप लोगों का मेन मकसद था कि जब कस्टमर्स आए तो ये लाइन में उनको कोई भी तकलीफ ना हो कि ये जानवर कौन से बिके हुए हैं, यहाँ पर जितने हैं सब सेल के लिए है ना। हाँ हाँ। तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात जानवर है जो इस बार अभी फिलहाल सामने लाइन में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आते हैं अजहर, मुझे ये बताए ये जो है ये थोड़ा मतलब किस हिसाब से कैटेगरी हो रहा है, कि छोटा से बड़ा हो रहा है कि बड़ा से छोटा हो रहा है? नहीं, हम लोग का जो कैटेगरी है अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। जैसे बैल पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट था कंक्रेज। हाँ। कंक्रेज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के दुआ से जी कंक्रेज जो सरताज बादशाह जी और कमांडो और सब जो कैंकरेज लाइन था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का सोल्ड हो चुका है। माशाल्लाह। तो इसलिए कॉन्सेप्ट हम लोग का अभी चेंज हुआ है
बैल का, बैल भी बहुत सारा हम लोग का सोल्ड हो चुका है जी। अभी जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जितना हम लोग का बैल बना है उसमें से और भी हम लोग का है कलेक्शन जो बैल हम लोग सामने लेकर आए। अच्छा, अच्छा। अब उसके बाद जो रखा गया है बाछी जी और पंगनूर दुनी पंगनूर जो बॉस है हम लोग का वो रखे है ये वाला। हाँ, प्रीमियम ये भी है। हाँ, हाँ। और उसके बाद एक प्रीमियम में बाछी भी है मोहिनी जी। उसके बाद से हरियाणा पूरा लॉट लाइन रखा। आइए एक बार यहाँ पे देख ले, बॉस अवेलेबल है जी? है जी है। ये वाला मोहिनी अवेलेबल है? ये बताएं, ये है गुची? जी जी, गुची भी अवेलेबल है। ये अभी है अभी फिलहाल आओ, बहुत प्रीमियम जानवर है ये तो भाई। चलो आज तो देखने मिल गया। हाँ, बाकी यहाँ से बताएं, ये प्राडा है? ये प्राडा, ये अवेलेबल है? चलिए ये यहाँ से दोनों। ये भी हीर अवेलेबल, ये हीर अवेलेबल है ना? महारानी भी अवेलेबल, महारानी बहुत प्रीमियम जानवर है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गाय है, जल्द से जल्द आकर लो। तो ये यहाँ से जो जो जानवर अवेलेबल थे ये मैंने आपको बता दिया। आइए हम लोग अब चलते हैं थर्ड लाइन में। हम लोग आ चुके हैं थर्ड लाइन में। सबसे पहले शाने माजा, अजय शाने माजा अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, ये भी अवेलेबल है अभी तक। अच्छा ठीक है, ये है। बाकी यहाँ पर से आप ये न्यू एंट्री लाए हैं? ये अनारकली। अच्छा, ये नया आया, गोडाउन में था। हाँ, एक एक नया चीज है हम लोग के पास में भी। अच्छा, हाँ, गोडाउन में जो अभी तो आना बाकी है, अभी आना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हमारे नायाब जो खटाल में था जी, वो सब जैसे निकल रहा है, जो उसका अल्टरनेटिव में जो नायाब है वो सब हम लोग ला रहे हैं खटाल में, मतलब एक्सचेंज हिसाब से जी। हाँ, तो ये अनारकली ठीक है, ये है अवेलेबल। यहाँ से बताए ये वाला है बाछी? बाछी है ये, अवेलेबल, बहुत खूबसूरत चीज है ये। ये भी अवेलेबल है, ये बताए। ये कटरीना है? कटरीना ये भी है। ठीक है, ये है, ये बाछी तो नहीं है, ये गाय है। ये बताएं आप, ये भी है अवेलेबल अभी यहाँ पर से? ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, बड़े गाय यहाँ पर अभी है। बाकी यहाँ पर तीनों, ये भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल है लाइन में। हाँ, सब अवेलेबल है। चलिए, ये लाइन में अवेलेबल है जो आप लोगों के सामने मैं दिखा दिया हूँ, जो सब अवेलेबल है यहाँ पर। और अभी मैं आता हूँ आप लोगों के सामने ये लाइन में, जो कि है फोर्थ नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ का मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये बताए भाई, ये है नूरे मास? तो हाँ, नूरे मास है, ये सोल्ड हो चुका है माशाल्लाह। चलिए, नूरे मास जो है वो कांकरेज गाय है, ये बिक्री हो चुकी है पहले ही। और यहाँ से बताए, ये है कोमल और ये कोमल रोज? ये रोज। अच्छा, है ये रोज है और वो कोमल है। रोज भी सोल्ड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, रोज सोल्ड हो चुके। कोमल बताए? कोमल भी सोल्ड हो चुका है। वाह माशाल्लाह, यहाँ बताए बसंती भी सोल्ड हो चुका है? बसंती भी सोल्ड हो चुकी है यहाँ पर से। ये है, ये है, ये वाला है, नूरी है, नूरी है अभी बचा हुआ यहाँ से। ये वाला भी सोल्ड हो चुका है, ये सोल्ड हो चुका है, ये वाला भी सोल्ड हो चुका है, ये भी हो चुकी। यहाँ से तीनों, ये भी सोल्ड हो चुका है, बाकी यहाँ से पूरा सोल्ड हो चुका है। यहाँ से तीनों सोल्ड हो चुका है, मतलब अवेलेबल में यहाँ से आप लोगों का एक ये वाला अवेलेबल है टेढ़ा सिंह छोड़कर, बाद बाकी ये लाइन में सब सोल्ड हो चुका है। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग पछुए नंबर लाइन में। पछुआ नंबर लाइन में अभी हम लोग आ चुके हैं। अजहर भाई, ये बताएं कि पछुआ नंबर लाइन में जो है वो मीडियम कैटेगरी आ चुका है क्या? हाँ, मीडियम कैटेगरी आ चुका है। मीडियम कैटेगरी में हम लोग का एक है कांकरेज गोरू। हाँ, हाँ। भी अवेलेबल है अभी। अच्छा, तो ये ब्लैक गैंग, ये ब्लैक गैंग है ना? मतलब ब्लैक गैंग कितना जानवर? 1 2 3 4 6 वो है हम लोग, 6 जानवर है पूरा टोटल, पूरा ब्लैक गैंग। ये वाला है? ये है, ये रॉकेट है, ये बहुत बड़ी गाय है, बहुत मतलब गोल मटोल फुटबॉल है। वाह भाई, हरियाणा में है जी जी, बहुत अच्छा रेडी किए हैं। चलिए, ये अवेलेबल है? गुलाब जामुन सुने? गुलाब जामुन जी 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 बिल्कुल वो है ये। माशाल्लाह, ये अवेलेबल है? तो हाँ, ये अवेलेबल है यहाँ से, ये भी अवेलेबल, पूरा ब्लैक गैंग अवेलेबल है ना? पूरा। चलो भाई, कहीं जो एकदम ब्लैक के शौकीन है ना भाई, पूरा खरीद लोगे भाई, अलग कलेक्शन बन जाएगा। मैं क्या बोलूं, सोल्ड हो चुका है। वाह, ये बाछी सोल्ड हो गई है? वाह माशाल्लाह, बहुत नायाब चीज है। यहाँ से बताए तीनों, ये तीनों अवेलेबल है, ये तीनों अवेलेबल है, जो मतलब मीडियम कस्टमर्स है उनके लिए भी जो है ख्याल किया गया। ब्राह्मण का तेरे है ये वाला, नहीं बोलेंगे जो ब्राह्मण है, मगर ब्राह्मण का कॉपी है, कॉपी है, मतलब कि उस तरह का लगता है, उस तरह का लगता जी है। ये सब आप लोगों के सामने अवेलेबल है। ये भी मुझे अच्छा लगा जो आप लोगों के सामने ब्राउन पैटर्न में है। तो चलिए, आप लोगों के सामने एक मीडियम गाय भी दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर लाइन, मतलब छठा नंबर लाइन में, चुके हैं छठा नंबर लाइन में। और यहाँ से जो है वो मीडियम कलेक्शन जो है वैसे मतलब शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, जितने भी हैं, कुछ कुछ बड़े गाय भी हैं। यहाँ से बताया अजहर भाई, ये अवेलेबल है, ये वाला एक नंबर अवेलेबल है मीडियम हिसाब से आप देखा जाए तो। हाँ, ये भी है, ये भी अवेलेबल, ये डेविल है, ये डेविल सबका चहिता, मतलब घोड़ा का तरह भाई, घोड़ा, ये पूरा घोड़ा है जी जी जी, स्टार्टिंग टू एंड। हाँ हाँ, इसमें सिंह हटा देने से आप घोड़ा ही बोल सकते हैं। वाह, ये इसका कलर बोलिए, इसका चाल बोलिए, इसका जो भी बताइए, ऑल एवरीथिंग पूरा घोड़ा नस्ल है। ठीक है, ये अवेलेबल है। ये बताएं भाई, ये भी अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी गाय है, आप लोग आकर के देखें भाई, अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। फिर ये बताएं, अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। यहाँ से बताएं, ये भी है, ये भी है, ये वाला, ये भी है, ये वाला, ये भी है, बदामी, बदामी, यहाँ बहुत अच्छी मुंडी है ये। यहाँ से तीनों, ये तीनों पूरा अवेलेबल है, ये तीनों, ये नंबर जो है ये
आपका बाछी है, ये बाछी है ठीक है। बाकी बाछी जो है वो मैं नोट आउट कर दे रहा हूँ, बाकी यहाँ से सब अवेलेबल है। ऐसे कलेक्शन रखा गया है जिसमें मीडियम में भी आप बाछी का कलेक्शन आप देख पाइएगा, है ना, बाछी भी जो है वो देख के चला गया है। चलिए यहाँ पर तो होगी हम लोग का छठा नंबर लाइन, सातवां नंबर लाइन जो है यहाँ से। ये बताए मुझे अजहर भाई, ये तो मुफासा तो है वो सोल्ड आउट है, ये सोल्ड आउट है माशाल्लाह, बहुत यूनिक पंगा नूर है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त है, अलग नूर है इसका, ठीक है। ये वाला है, ये अभी अवेलेबल है कांकरेज, जो मतलब कांकरेज के शौकीन है वो ले सकते हैं ना, जो हम लोग का लिमिट, जो कांकरेज हम लोग का ह्यूज इसमें था क्वांटिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह सब सोल्ड हो चुका है, बस कुछ ही कांकरेज बचा हुआ है, जो इंसान को कांकरेज का शौक है वो आके देख सकते हैं। और प्राइस तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई है, रीजनेबल में दिया जाएगा, एकदम रीजनेबल में छोड़ देंगे, एकदम जो उनका बजट में, जिसको कांकरेज करने का शौक है इंसान को, कम बजट में उसके लिए उनके लिए ये वाला है, ये वाला एक अवेलेबल है, ये वाला देखें आप लोग, बहुत अच्छा जानवर है, ये वाला भी काफी अच्छा मन होगा इसका, बहुत अच्छा खासा 9 मन आराम से होगा, 8-9 मन पकड़ के चले लगभग आप पकड़ के सकते हैं। हाँ ये वाला तो सोल्ड आउट है, कमांडो सोल्ड आउट है माशाल्लाह, बहुत सरताज भी सोल्ड आउट है, बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बादशाह भी सोल्ड है, तो यहाँ से 3 कांकरेज जो सोल्ड आउट है, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। और बॉनी बॉनी का जो लाइन है फ्रेंड्स, बोना बॉनी का यहाँ से तो भाई अभी अवेलेबल है, तो बोना बॉनी का लाइन कुछ अवेलेबल है, कुछ कुछ है, मैक्सिमम सोल्ड हो चुका है यहाँ से ना। हाँ। तो चलो यहाँ पर का आप लोग आकर के भाई राब्ता करें यहाँ से। अजहर भाई ये मुझे बताएं आप, यहाँ पर से क्या क्या चीज है, यहाँ से आप पकड़ने से ये कांकरेज छोड़ के बाद बाकी सब सेल हो चुका है। वाह, मतलब ये कांकरेज छोड़ के पीछे सब सेल, वाह माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये कांकरेज अवेलेबल है, मतलब ये कांकरेज को मुझे तो देख करके लगता है ज्यादा आप लोगों का मतलब ये नहीं होगा कि मुझे बहुत ज्यादा दाम चाहिए, रीजनेबल में छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर से ये वाला पीछे सब अभी निकल गया है, ठीक है, पीछे में हम लोग चलते हैं। ये बताएं अजहर भाई, ये जो लास्ट लाइन है ये वाला, वैसे तो लास्ट लाइन ये बोले, ये वाला सेकंड लास्ट लाइन है, पूरा सेल हो चुका है, ये पूरा सेल हो गया, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए, जानवर पूरे नायाब है पूरा, मतलब ये जो लॉट आप लोग देख रहे हैं ना पूरा सेल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से अजहर भाई ये बताएं, ये वाला ना, ये वाला पूरा सेल, अभी यहाँ पर से कोई बिक्री का है नहीं, ये बिक्री का आप लोग सोल हो चुका है, ये पूरा सेल हो चुका है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक शायद हो सकता बचा हुआ होगा, नहीं तो सारा सेल हो चुका है यहाँ से, एक दो अगर होगा मतलब निकल गया तो निकल गया, बचा हुआ है अभी, ये वाला बचा हुआ है, ये बाछी बहुत अच्छा बच्चा बाछी है, देख सकते हैं आप लोग, ये देख ले आप लोग, बहुत खूबसूरत बाछी है, ये अवेलेबल है, ये एक दूसरा भी अवेलेबल है, ये वाला है अवेलेबल, ये भी बाछी है, ये बाछी है, ये आप लोग ले सकते हैं जो मीडियम के कस्टमर्स हैं, ये भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये वाला देखो, मतलब आप लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा कस्टमर्स को देख रहे, छोटा कस्टमर्स के लिए भी है, ठीक है। तो बाकी सब सोल्ड हो चुका है, सब सोल्ड हो गया यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हरियाणा भी सोल्ड आउट है, ये देखें आप लोग, बड़ा जूठी का, ठीक है, यहाँ पर से, यहाँ तो सब सोल्ड आउट है, यहाँ तो अब जाना भी कुछ है नहीं, आइएगा आप लोग, यहाँ पर सब सोल्ड आउट दिखेगा। तो चलो यहाँ पर से अभी हम लोग निकलते हैं, हम लोग चलते हैं अब आप लोगों के सामने, पूरा आप लोगों को हम आज दिखा दिए हैं फुल फार्म टूर, ठीक है, जो जो था नहीं था सब बता दिया हूँ। ये था व्लॉग आज का पूरा, आप लोगों को दिखाया क्या क्या नहीं हुआ, हुआ सब बता दिया भाई आप लोगों को, लाइव सोल्ड हुआ, जानवर उतरा, फुल फार्म टूर दिखाया अजहर भाई के साथ, मजा काफी आया। तो चलो व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों के सामने एक वीडियो लाने का कंटेंट का मकसद ये है, जब सपोर्ट मिलता है भाई तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, तब तक की दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। Oh, oh, oh.